हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूट्यूब में कस्टमाइज यूआरएल कैसे बनाएं। जैसे कि ये देखिए, यूट्यूब www.youtube.com/channel/UCXUUAUKY, तो इस तरीके से लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। तो यूट्यूब ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ यूआरएल है। अगर आप अपना चैनल किसी को नाम बताना चाहते हैं तो इस तरीके से याद नहीं रख सकते, इस तरीके से दे नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सीधा हम कस्टमाइज चैनल इस तरीके से यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए, ये चैनल कस्टमाइजेशन ऑप्शन आ गया है। उसके बाद यहाँ से बेसिक इन्फो में क्लिक करेंगे। ठीक है, ये अभी मेरा चैनल का यूआरएल बाय डिफॉल्ट यूआरएल है। यहाँ देख लीजिए, सेट कस्टमाइज यूआरएल चैनल ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, ये बाय डिफॉल्ट ये ले लिया है, जो मेरा नाम है जैसे ऑनलाइन म्यूजिक लिए दिया है उसको ले लिया है। तो इसके बाद ऐड लेटर आर नंबर, इसके बाद ये मतलब यूआरएल बन नहीं रहा है, तो इसके लिए तो ऑनलाइन म्यूजिक ये 24 नाम से इस तरीके से दिया। देखिए, इस तरीके से ये टिक मार्क आ गया है। तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से पब्लिश करूँगा। देखिए, ये हो गया है यूआरएल, ये ले लिया है www.youtube.com/c/onlinemusic24। तो यहाँ से इसको कंफर्मेशन दिया है। अभी यहाँ से यहाँ क्लिक करूँगा, गो टू चैनल, ये हो गया, ये मेरा चैनल का कस्टमाइज यूआरएल, ये देख लीजिए, youtube.com/c/onlinemusic24 है। तो यहाँ से आप YouTube पर लिख के उसके बाद सीधा आप ऑनलाइन USIC 24 से इस तरीके से लिखेंगे, सीधा हमारा चैनल खुल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये मेरा चैनल इस तरीके से खुल गया है। तो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आपका चैनल 30 डेज पुराना होना चाहिए। उसके बाद उसमें 100 सब्सक्राइबर मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इनेबल हो जाएंगे, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ का जो कस्टम यूआरएल है ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा इनेबल। ओके, जैसे ही देख लीजिए, वो जैसे एक पुराना चैनल है, एक इसमें इसमें कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो कस्टमाइजेशन में गया, यहाँ देख लीजिए बेसिक इन्फो में, देखिए ये ऑप्शन यहाँ इनेबल नहीं है, हालांकि यहाँ यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन कस्टम यूआरएल दिख रहा है, शो कर रहा है, तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। तो मिनिमम आपको चैनल को कस्टमाइज करने के लिए 100 सब्सक्राइबर मिनिमम होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।